राजधानी में आतंक और उपद्रव का पर्याय बन चुके कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना को इस बार चार पहिया वाहन पर खड़े होकर स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस आयुक्त तो मकरंद देउस्कर ने आरोपी के खिलाफ अपने न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए कुख्यात बदमाश को किसी प्रकार के निजी दो और चार पहिया वाहन चलाने और उसकी सवारी करने से प्रतिबंधित कर दिया। 10 जनवरी 2023 से वो किसी भी निजी दो पहिया और चार पहिया वाहन को ना तो चला पाएगा और ना ही उसकी सवारी करने के लिए बैठ पाएगा। उसने अगर इस दौरान उसे निजी वाहन चलाते देखा जाता है तो न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। न्यू ईयर के आसपास गाड़ी पर स्टंट करने की वो एक कार्रवाई की थी, जिसका संज्ञान माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने लिया था कि ये तो राज्य में सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए भी, और इस तरह से स्टंट करने पर ओवरऑल जो है वो ट्रैफिक की और बाकी नियमों की धज्जियां उड़ाने के समान है। तो इस संबंध में राज्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है, जिसमें सेक्शन 31C में किसी भी व्यक्ति को जो किसी वस्तु को का वो इस्तेमाल करता है उसके इस्तेमाल से 1 साल के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, उसके अंतर्गत ये एक आदेश पारित किया है कमिश्नर साहब ने, और इस संबंध में उसको नोटिस भी आज तामील करा दिया गया है। हाँ, इस संबंध में जो सुरक्षा कानून में अंतर्गत सेक्शंस दिए गए हैं उसमें पहले तो उसका जो 1 साल का बाउंड ओवर है उसमें जितने भी टाइम के लिए वो निरुद्ध किया गया है उस समय के लिए वो जेल जाएगा, और उसके अलावा 188 IPC के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है उसके ऊपर। हाँ, फिलहाल इसमें जो स्पेसिफिकली हम लोगों ने क्लॉज जोड़ा है वो इस संबंध में है कि वो गाड़ी पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर पे कोई स्टंट ना कर पाए तो उसके इस्तेमाल पर रोक है, इसलिए वो इसका स्वयं ना उस पर कभी स्टंट कर सकता है, ना उसमें बैठ सकता है, ना चला सकता है, यात्री के रूप में भी वो नहीं बैठ सकता है। उसको पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के वो हैं, बस या फिर बाकी चीज़ें, ऑटो रिक्शा, उस पर वो जा सकता है। इसके साथ साथ ये चूंकि ट्रैफिक से भी जुड़ा हुआ है तो इसका जो प्रभाव है वो ट्रैफिक पर भी पड़ेगा, कि इस तरह से स्टंट करने वाले, जैसा कि भोपाल में कई बार खबरें आती हैं, उनके लिए भी एक बानगी होगी। होपफुली इसमें ये जो स्टंट करने वाले हैं इनमें भी इससे थोड़ी कमी आएगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।